करना का हेल्थ निजाम मुर्दाबाद मुर्दाबाद, करना का हेल्थ निजाम मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बेगुनाहों का खून मत बहाओ मत बहाओ मत बहाओ, बेगुनाहों का खून मत बहाओ मत बहाओ मत बहाओ, बेगुनाहों का खून मत बहाओ मत बहाओ मत बहाओ, करना का हेल्थ निजाम मुर्दाबाद मत बहाओ, बेगुनाहों का खून मत बहाओ मत बहाओ मत बहाओ, मासूमों का खून मत बहाओ मत बहाओ मत बहाओ, मासूमों का खून मत बहाओ मत बहाओ मत बहाओ। अब हम इधर आए तो लगभग 5:45 या 6:30 इतनी टाइम था, तो जो लड़की थी उसको बहुत दर्द हो रहा था, तो इधर लाई तो उन्होंने दखल की उसको, तो रात भर उसको बहुत दर्द हुआ। जब मैं डॉक्टर के पास जाता था तो एक दो या तीन बार उन्होंने देखा, जब 2-3 बजे जब मैं उनके पास डॉक्टर के पास गया तो वो बोलने लगे या पेशेंट को इधर से ले जाओ या आप चुप करके बैठो इधर, हम बार बार आते हो, आप दरवाज़ा ठड़काते हो, आप कभी क्या ले जाओ पेशेंट को इधर से। तो जब फिर मैंने बोला उसको, मैम उसको ग्लूकोज भी ख़त्म हो गया, आप निकाल के फेंक दो उसको ग्लूकोज। किसने बोला, ये डॉक्टर ने? जी डॉक्टर मैम ने बोला। बच्चे की मौत वाकई कैसी हुई? बच्चे की मौत वाकई उसको ब्रेड बहुत हो गया, उसको कट लग गया जी, उसकी डिलीवरी नॉर्मल जी नॉर्मल डिलीवरी, उसमें उसको काट दिया बच्चे का जी। जब उसकी डिलीवरी कंप्लीट होगी तो उन्होंने क्या कपड़े भी इनको नहीं लगाने दिए, कपड़े उन्होंने खुद लगाए, तो बाद में उन्होंने ये टोपी के नीचे रखा है इसको रूम को, लेकिन उनको पता था सब कि बच्चे को चोट आ गई, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया। ये बच्चे की डेथ लगभग इधर से रैफला में कल 10 बजे किया, तो हम पहुंचे उधर हंदवारा में शाम के 3 या 4 बजे, इतना टाइम मुझे नहीं पता है, शायद इतनी टाइम होगा। तो वहां पर गए, वहां पर जब उन्होंने देखा बोलने लगे, उधर उन्होंने बोला ये बच्चे इसके कपड़ों के साथ ब्रेड कैसा है, खून कैसा है, हमने बोला पता नहीं कैसा है, हमें कुछ नहीं पता है। तो देखा जब उन्होंने तो बोलने लगे इसका सर काट दिया, कौन किस डॉक्टर ने किया यह वो बहुत उन्होंने किया, लेकिन बाद में जब हम इधर आए तो बोलने लगे इसको 12 दिन ऊपर हैं। अच्छा 12 दिन जी अभी जी हाँ मैम ने बोला, तो अभी बोल रहे हैं उसका अभी उसको टाइम था। हाँ साधो उसकी कापी भी नहीं दे रहे उसे कागज सेंड नहीं दे, तुम बार बार बुआ ठलके नहीं तो नींद नहीं कराने दी माड़ी बची मरने हालत तो होगी, फिर मैं आगे बुआ ठलकाया, फिर मैं आखिर तुमने सेंड तू घट खड़ सुन गए कर खड़ कहन गए, पीछे मैं आखिया मैं सुकार के खड़ मुँह अटकू खड़ सकती हूँ, फिर मैं थकी आना मोड़गा ਪਿਛੇ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾੜੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਸਾਹ ਲੱਗਦਾ ਬੈਠੇ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਚਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਨੇ ਨਾ ਨਸੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸਾਂ ਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਨਸੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਸਤੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੋਈ ਦੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸ਼ਲ ਹਮਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਥੀ ਹਮਾਰੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹਮਾਰੇ ਐਸਓ ਸਾਹਿਬ ਥੇ ਯਹਾਂ ਕੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਗ ਵੀ ਥੇ, ਹਮਨੇ ਪੂਰੀ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਵੀ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਆਤਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਪੇ ਜੋ ਹਮਨੇ ਕੀਆ ਹੈ, तो हमने देखा कि उसका पूरा बच्चे का हमने देखा है, कोई ऐसा कट नहीं था उसके कहीं बॉडी पे, जैसे ये हो जाए कि नहीं भैया इसको किसी कट से इट हैज़ बिकम ए रीजन ऑफ हिज डेथ या कुछ ऐसा। अभी हम इसमें वी गो इनटू डेप्थ, हमारे ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं कि पूरी तरह इसको आप तहकीकात करो कि जो भी है इन केस वी फाउंड एनी बॉडी लाइक दिस हियर उन्होंने कहा कि जब डिलीवरी होती है डिलीवरी के टाइम पे देयर वाज लॉट ऑफ ब्लड कमिंग आउट ऑफ दैट थिंग, तो वहाँ पे जो होता है खून होता है, और मीन वाइज जब डॉक्टर साहब को लगा कि ये बच्चा बहुत सीरियस है, उन्होंने उस वक्त रेफर किया है आगे जाने के लिए, उसका बजट मेरे पास कागज है डॉक्टर साहब के अस्पताल के, तो अब उन्हें आगे जाकर जो ले गए हैं तो आगे उनकी बेचारे के बच्चे की डेथ हो गई है जो बिफोर रीचिंग सम एक्सपर्ट मतलब डॉक्टर या किसी अस्पताल में पहुंचने से पहले उनकी डेथ हो चुकी है। यह अभी हमने प्रीलिम्स हमारी इंक्वायरी हो रही है जो अब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इससे अलावा जो हम मैंने पेपर्स से ले लिए अस्पताल के पेपर्स लिए मैं इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही अपने ऑफिस को इसकी रिपोर्ट दूंगा, और देखते हैं जहाँ भी हमें लगता है कहीं किसी की ये नेगलिजेंस या लापरवाही है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और दैट मैन विल नॉट बी दैट Whoever so he is, he will not be spared. तो ये आपका पूरा विश्वास दिलाते हैं आपको इसका। नाम सर कोई इंक्वायरी कमेटी आपकी तरफ से बनाएगी? वो हमारे अफसर से बात करने के बाद हमारे अफसर के लिए बैठे वो एक कमेटी बनाएंगे, और उनको हम उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो विद इन नो टाइम
इसकी रिपोर्ट आपको तब पहुंचा देंगे, ये आप तक पहुंच जाएगा सब।